पिछले 2 दिनों से बिहार की राजनीति में जो सवाल तैर रहे हैं, उस सवाल को लेकर के एक बात तो साफ नज़र आ रही है कि कहीं ना कहीं सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से नीतीश कुमार और विधानसभा के स्पीकर विजय सिन्हा के बीच में विवाद हुए और ये विवाद एक अलग मोड़ पर चले गए हैं, परसों ये घटना घटी और कल कोशिश की गई भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कि नीतीश कुमार से बातचीत करके और मामला को फिर से संभाल लिया जाए और आगे की रणनीति बनाई जाए। आपको बता दें कि बिहार विधानसभा में जनता से जुड़े सवालों को लेकर के जिस तरह से सवाल पूछे गए, उसको लेकर जब विधानसभा अध्यक्ष ने अपनी बात रखी और सदन को ये बताया और मंत्री से कहा कि इस मुद्दे पर आप पूरी जानकारी लेकर के आए, इस पर नीतीश कुमार भड़क गए थे। अब सीधी सी बात है कि बिहार पूरी तरह से कहीं ना कहीं अब एक दिशा में सोचना शुरू कर दिया है कि क्या नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी में गुंजाइश है। सत्ताधारी दल के विधायकों की जिस तरह से आपस में तूतूमय में शुरू हो गई है और ये पहली बार हुआ है जिसको लेकर के कई तरह की बातें हो रही हैं, हालांकि विपक्ष भी इसको लेकर के पूरी तरह से हमलावर है, लेकिन सबसे बड़ी बात ये हुई कि कल दिन भर जो घटनाक्रम हुए उसमें नीतीश कुमार और विस्तारित भवन जो है विधानसभा का, विधानमंडल के विस्तारित भवन में कहीं ना कहीं नीतीश कुमार और नीतीश कुमार के साथ भारतीय जनता पार्टी के कई दिग्गज नेता बैठे। करीब 1 घंटे तक बातचीत चली और इस बातचीत के बाद सीधी तौर पे निकल करके तो कुछ भी नहीं आया, क्योंकि अब इन सारी बातों का जवाब विधानसभा खोज रहा था, विपक्ष खोज रहा था और नीतीश कुमार से माफ़ी मांगने की बात कर रहा था, क्योंकि आसन का कहीं ना कहीं अवहेलना हुआ था और आसन की बेइज्जती हुई थी। इस बात को लेकर के विजय सिन्हा कल जब सदन में नहीं आए, आसन नहीं ग्रहण किया, तो इसको भी लेकर के कई तरह की चर्चाएँ हो रही थी। नीतीश कुमार के साथ बातचीत करने के लिए तारकिशोर प्रसाद, विजय कुमार चौधरी और मंगल पांडे काफ़ी देर तक बैठे, 1 घंटे तक बातचीत चली, लेकिन उसके बाद भी विजय कुमार सिन्हा जब सदन में नहीं आए तो मामला सीधी तौर पर समझा जा सकता था कि उनका गुस्सा शांत नहीं हुआ है और वो काफ़ी एम्ब्रेसिंग फील कर रहे हैं। इस बात के बाद अब सीधे तौर पर एक नई बात जो आपके सामने हम बताने जा रहे हैं कि बिहार भाजपा के वरिष्ठ नेता जिसमें संजय जायसवाल से लेकर के सम्राट चौधरी तक और सम्राट चौधरी से लेकर के विजय कुमार चौधरी तक सारे लोगों को दिल्ली में जुटान हो रहा है। दिल्ली में नीतीश पर अंतिम फैसला लेने के लिए ये दिग्गज पहुंचे हैं और वहां अमित शाह और नरेंद्र मोदी के साथ जेपी नड्डा भी रहेंगे और बातचीत होनी है। अब देखने वाली बात यह होगी कि इस पूरे मामले पर क्या कुछ निकल करके सामने आता है। ना तो जदयू एक डेग पीछे हटने के लिए तैयार है, हालांकि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कल जिस तरह से बातें कर रहे थे उन्हें लग रहा था कि जैसे वो पूरी तरह से बांह फैला करके बैठे हुए हैं कि वो पैचअप करने के लिए तैयार हैं, लेकिन साफ तौर पे एक बात नज़र आ रही थी कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व और विजय कुमार चौधरी वाला जो विजय कुमार सिन्हा वाला जो खेमा है वो काफ़ी गुस्से में था और पूरे दिन सोशल मीडिया पर ये बातें चलती रही और नीतीश कुमार के संविधान और खास करके आसन को संविधान सिखाने की जो बात थी उसने काफ़ी जोर पकड़ लिया है। अब देखने वाली बात यह होगी कि दिल्ली में जो बैठक हो रही है ये किस दिशा में जाती है। कहा तो ये जा रहा था कि 5 राज्यों के चुनाव के बाद बहुत कुछ बदलेगा, लेकिन जो बदलता हुआ नज़र आ रहा है वो ये कि एक तरफ जहां नीतीश कुमार फिर से तन करके खड़े हो गए हैं, जदयू किसी तरह का समझौता करने के लिए तैयार नहीं है, वहीं भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व और विजय कुमार सिन्हा के साथ बातचीत के दौर को शुरू करने दिल्ली पहुंचे हुए हैं। इसका फैसला निकल करके क्या आता है हमारी पूरी नज़र बनी हुई है। आप भारत लाइव पर नज़र गड़ाए रहिएगा क्योंकि कभी भी कोई बड़ी खबर आ सकती है। इस बीच में नीतीश कुमार की मुलाकात राज्यपाल से भी हुई है तो समझने वाली बात यह होती है कि कहीं ना कहीं मामला कहीं दूसरे दिशा में तो नहीं जा रहा है। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओ ये एगो घंटी बा ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।